हाई एवरीवन, आई एम रवि चंद्राना, वेलकम बैक टू माय चैनल क्विक फिक्स इंडिया। अगर आपके पास में स्पोर्ट्स बाइक है या आपकी कोई भी दूसरी बाइक में आप अगर रेडियल टायर डालना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए और समझिए कि रेडियल टायर के क्या बेनिफिट्स है, रेडियल टायर के कंस्ट्रक्शन में कौन से टाइप के कंस्ट्रक्शन होते हैं आज इस वीडियो में देखेंगे। आज की तारीख में सारी सुपर बाइक्स में आपको रेडियल टायर देखने मिलेंगे, KTM हो गया, डोमिनर हो गया, आपका नया जो अपाचे निकला है TVS का उसके अंदर भी रेडियल टायर आना चालू हो गए हैं। और सुपर बाइक की बात करें, जो भी बड़ी बड़ी सुपर बाइक्स है उसमें ऑलरेडी कंपनी रेडियल टायर डाल के देती है। सो काफी लोगों को पता नहीं है कि रेडियल टायर में भी डिफरेंट वेराइटीज के टायर आते हैं, जिसे हम फैब्रिक बेल्टेड टायर कहते हैं और एक स्टील बेल्टेड टायर होते हैं। इसके क्या डिफरेंस होते हैं, इसके परफॉर्मेंस वाइज क्या फर्क होता है, कॉस्टिंग वाइज क्या फर्क होता है, इस वीडियो में आपको देखने मिलेगा। दोस्तों, वीडियो चालू करने के पहले बताना चाहूंगा, इस वीडियो के लिए कोई भी कंपनी ने मुझे स्पॉन्सरशिप नहीं दी है और ये जो वीडियो मैंने बनाया है काफी रिसर्च करके बनाया है, मेरे व्यूअर्स के लिए बनाया है और मेरे कस्टमर्स के लिए बनाया है और काफी राइडर्स के लिए बनाया है। तो दोस्तों, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। टायर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गाड़ी का, सारी गाड़ी का वेट, पैसेंजर का वेट ये टायर पे होता है। स्टेयरिंग, ब्रेकिंग, हैंडलिंग, कॉर्नरिंग जो बाइकर लोग करते हैं ये टायर पे ही डिपेंड होता है। ये कितना अच्छा टायर है उतना अच्छा कॉर्नरिंग, उतना अच्छा ब्रेकिंग, उतना अच्छा ग्रिप आपको मिलेगा। कोई भी कंपनी जब टायर बनाती है, खाली टायर जो होता है वो रबर का नहीं बनता है, रबर के अलावा उसमें काफी अलग अलग कंटेंट यूज होता है। अगर कंपनी खाली रबर का टायर बना दे तो वो 400-500 किलोमीटर में टायर वॉर्न आउट हो जाएगा। सो उसका लाइफ बढ़ाने के लिए कंपनी उसको सिलिका यूज करती है, उसके अंदर कार्बन यूज करती है, तो और काफी अलग अलग कंपोनेंट्स है उसके साथ में, रबर के साथ में मिक्स करके टायर को बनाया जाता है। उसके अंदर ऑयल का भी यूज होता है। आपको क्वेश्चन होगा ऑयल किस लिए यूज होता है, टायर के एजिंग क्रैक्स होते हैं, एजिंग क्रैक्स को अवॉइड करने के लिए कंपनियां ऑयल यूज करती है जिससे लुब्रिकेशन रहता है। दोस्तों, पहले देखेंगे रेडियल और नॉन रेडियल, इसमें क्या डिफरेंस है। नॉन रेडियल मतलब बायस टायर, टेक्नोलॉजी रेडियल में यूज होती है, दैट इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। काफी कार्स में लोडिंग कार्स जो होती है, लोडिंग व्हीकल्स जो होती है, उसके अंदर लोग नायलन टायर लगाते हैं क्योंकि वो काफी स्टीफ होता है, परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं होता है। रेडियल टायर काफी परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। रेडियल टायर के बीच में काफी कंपनी फैब्रिक यूज करती है, काफी कंपनी स्टील बेल्टेड रेडियल टायर यूज करती है। जैसे बाइक की बात करें तो मोस्टली कंपनियां जो इंडिया में है, जो भी इंडिया में बनाती है वो फैब्रिक बेल्टेड टायर बनाती है। रेडियल टायर में जो ट्रेड पोर्शन है, टायर तो पूरा एक होता है, साइड वॉल ऑफ द टायर और ट्रेड जो बीच में का होता है जिसे हम ये ट्रेड कहते हैं, ये जो ट्रेड है और ये जो साइड वॉल है ये एक ही टायर तो एक ही है लेकिन ये इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं, इसे हम लोग ट्रेड कहते हैं। ये जो साइड वॉल जिसे हम कहते हैं वो साइड वॉल होता है जो सस्पेंशन का काम करता है। तो रेडियल टायर के प्लाई कॉर्ड 90 डिग्री एंगल में अरेंज किए होते हैं, ये परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। रेडियल टायर की हैंडलिंग, कॉर्नरिंग, इसके अंदर जो ग्रिप होती है ये बायस टायर से बेटर होती है। तो बायस टायर जो होते हैं काफी सस्ते होते हैं, रेडियल टायर है काफी एक्सपेंसिव होते हैं। रेडियल टायर में भी दो टाइप का कंपाउंड है, एक है फैब्रिक बेल्टेड जो कि थोड़े सस्ते होते हैं, स्टील बेल्टेड रेडियल है थोड़े काफी महंगे होते हैं। इसमें जो डिफरेंस होता है ये 15-20% का होता है क्योंकि उसका जो केसिंग है वैसा यूज हुआ रहता है। काफी लोग मुझे कहते हैं कि मेटजेलर महंगा है, पिरेली महंगा है, ये महंगे इसलिए है कि इसके अंदर स्टील बेल्टेड रेडियल यूज किया है। MRF हो गया या कॉन्टिनेंटल मेट्रो हो गया या C8 हो गया, ये फैब्रिक बेल्टेड टायर है तो ये काफी सस्ते टायर है। दोस्तों, एक चीज बताना चाहूंगा, रबर के साथ में अगर आप धागे को जिसे हम कॉर्ड्स या जिसे हम फैब्रिक कह रहे हैं उसको मिक्स करना काफी इजी होता है, लेकिन रबर के साथ में आप अगर स्टील बेल्ट जो स्टील है कंप्लीटली डिफरेंट है उसको अगर मिक्स करना चाहते हो तो उसको आपके लिए वो कंपनी के लिए जो टेक्नोलॉजी रिसर्च ये काफी एक्सटेंसिव लगता है, काफी ज्यादा लगता है, तो ये टायर बन सकता है। तो मेटजेलर, ब्रिजस्टोन, पिरेली, ये कंपनियों ने, या डनलॉप आप देख सकते हो काफी गाड़ी में लग के आता है ये डनलॉप, ये सारी कंपनियों ने काफी रिसर्च किया है उसके बाद टायर। इसी हम लोग देख रहे हैं कि स्टील बेल्टेड रेडियल टायर होते हैं, फैब्रिक बेल्टेड टायर होते हैं। फैब्रिक बेल्टेड में क्या होता है और स्टील बेल्टेड में क्या होता है, फैब्रिक मतलब क्या फैब्रिक यूज करते हैं, पॉलिस्टर होता है, रेयन होता है, आर्मिड होता है, नायलॉन होता है, ये सब धागे टायर को बनाने के लिए यूज होते हैं। आप यहाँ देख सकते हो ये टायर हमने जो काटा है उसके अंदर जो धागे है ये दिख रहे हैं आपको, ये जो धागे हैं ये रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर, इस सब चीज के धागे हैं। तो देख सकते हैं ये टायर में, ये टायर के अंदर स्टील बेल्टेड रेडियल जिसे हम कह रहे हैं इसके अंदर स्टील कॉर्ड्स दिख रहे हैं, स्टील कॉर्ड्स दिख रहे हैं आपको। स्टील कॉर्ड्स की जो टेक्नोलॉजी होती है, इस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए काफी अच्छा रिसर्च करना होता है
और ये जो कंपनी है इंडिया में पहली एक कंपनी जिसने स्टील बेल्टेड रेडियल टायर जो बाइक के लिए बनाया वो है अपोलो। आज तक कोई कंपनी ने बनाया नहीं उसको, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए काफी मेहनत लगती है, काफी रिसर्च लगती है। मिशलिन जैसी वर्ल्ड की एक रिनाउंड कंपनी है, इन्होंने भी अभी तक बाइक में स्टील बेल्टेड रेडियल टायर मैंने देखा नहीं है। जितने भी टायर मैंने देखे ये सब फैब्रिक बेल्टेड टायर है, शायद कुछ बनाए होंगे इनको, मेरे इतना नॉलेज में ही। लेकिन जो भी इंडिया में मैंने टायर देखे हैं, जो भी मार्केट इंडियन मार्केट में अभी अवेलेबल है, जैसा KTM का टायर मैं देखता हूँ, ये अभी एक टायर अपन रोड 2 देख रहे हैं, ये सब फैब्रिक बेल्टेड टायर है। तो हम लोग जो KTM टायर का मोस्टली रिव्यू करेंगे आज, सो ये सारे KTM टायर के KTM के टायर्स है, पिरेली का है, मेटजेलर का है, और यहाँ पे आप देख रहे हो ये पायलट स्ट्रीट मिशलिन का है। और हम लोगों ने काफी रिसर्च किया है अपोलो के नए स्टील बेल्टेड रेडियल पे भी, और MRF का भी टायर देखा है हमने। MRF का टायर जो है दोस्तों मैं बताना चाहूंगा वो फैब्रिक बेल्टेड है, मिशलिन का जो पायलट स्ट्रीट जो रेडियल टायर है वो भी फैब्रिक बेल्टेड है। सो फैब्रिक बेल्टेड टायर और स्टील बेल्टेड टायर में ये क्या डिफरेंस है ये भी देखते हैं हम लोग। दोस्तों रेडियल टायर तो हमने देख लिया, बायस टायर क्या होता है ये देखते हैं। नॉन रेडियल टायर में आप जो जिसे हम बायस टायर कहते हैं वो क्या होता है। बायस टायर जो होता है रबर का ओवरलैपिंग करके जो टायर बनता है उसे हम बायस टायर कहते हैं। बायस टायर जो होता है काफी स्टीफ होता है, प्राइस वाइज काफी सस्ता होता है। बायस में स्टील बेल्टेड नहीं आते हैं बाइक के लिए, वो प्लाईकॉर्ड ही यूज करते हैं उसमें, कॉर्ड्स मतलब जो फैब्रिक ही यूज करते हैं। बायस टायर में परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं होता है, उसका स्पीड इंडेक्स भी हमेशा कम होता है, पेनिट्रेशन होने के काफी चांसेस रहते हैं। स्टील बेल्टेड टायर्स में दोस्तों पेनिट्रेशन करना काफी हार्ड होता है क्योंकि स्टील बेल्ट्स होते हैं। फैब्रिक बेल्टेड टायर्स में अगर कोई शार्प ऑब्जेक्ट लग जाता है तो टायर फटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप अगर कॉर्नरिंग कर रहे हैं तो स्टील बेल्टेड टायर ये थोड़े स्ट्रांग होते हैं केसिंग के अंदर। टायर दोस्तों काफी बाइकर्स 120, 180 और 200 के स्पीड में भी बाइक चलाते हैं, तो ये स्पीड में जो फ्रैक्शन होता है उससे जो टायर है काफी गर्म होता है। तो स्टील बेल्टेड रेडियल टायर ये कंपाउंड को हमेशा पकड़ के रखता है, तो एक अच्छा काफी बेनिफिट। ऐसा नहीं कहता दोस्तों कि फैब्रिक बेल्टेड टायर सेफ नहीं है, कंपनियों ने काफी रिसर्च करके ये टायर बनाया है, ये भी टायर सेफ है। लेकिन हम अगर स्टील बेल्टेड और फैब्रिक बेल्टेड में से दोनों को एक को चूज करना है तो आई विल पर्सनली गो विथ स्टील बेल्टेड टायर, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रांग होता है और इसमें पेनिट्रेशन या कोई शार्प ऑब्जेक्ट भी घुस जाए तो टायर सीधा फटेगा नहीं, पंचर भी हो सकता है। फैब्रिक बेल्टेड में पेनिट्रेशन इज इजी। दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊंगा तीन टायर हमने काटे हैं, एक मेटजेलर M5 है, एक MRF का टायर है और रेडियल टायर जो KTM में लग के आता है, KTM 200 में, ड्यूक 200 में, मिशलिन का रोड 2 ये हमने टायर काटा है। बाकी दोस्तों मेरे काफी कस्टमर्स है, व्यूवर्स है, मेरे काफी राइडर्स है, वो मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि रवि टूरिंग के लिए कौन सा अच्छा टायर है, ऑफ रोडिंग के लिए टायर कौन सा अच्छा है। ऐसे ही कुछ अगर क्वेश्चन है आपके तो मैंने एक दूसरा वीडियो भी बनाया है जिसे आप रेफर कर सकते हो, उसके अंदर काफी इन्फॉर्मेशन दी है। तो अब हम ट्राई करें कि मेटजेलर के टायर काटने के लिए 100 ब्लेड से, बट ये कट नहीं रहा है तो हम इसे लेके जाएंगे अभी लेथ मशीन पे। लेथ मशीन पे जाके इसको काटेंगे। इसको याद देखिए यहाँ पे हम लोग इसको फिट कर रहे हैं, जैसे ये फिट हो गया अभी ये देखो ये मशीन चालू कर दी है, अभी इसको काट रहे हैं, तो ये 100 ब्लेड से कट नहीं पाया अभी इसको, इसलिए हम लोगों ने लेथ मशीन पे लेके आया। तो स्टील बेल्टेड है इसलिए हम लोग 100 ब्लेड से भी नहीं काट पाए इसको, तो लेथ मशीन पे ही काटा है। अभी ये काटने के बाद में ये जो पीस दिख रहा है आपको वो लेथ मशीन पे काटा हुआ। दोस्तों ये MRF का टायर है, अभी इसको काटने का ट्राई कर रहे हैं हम लोग शार्प ऑब्जेक्ट से, शार्प नाइफ है। मेटजेलर में ये शार्प नाइफ कुछ काम नहीं आ रही थी तो 100 ब्लेड का यूज़ किया, 100 ब्लेड से भी नहीं कटा, तो हम लोग लेके गए लेथ मशीन पे। देखो एक टूट कट गया है अभी पूरा टायर, ये टुकड़ा है MRF का। ये दोस्तों मिशलिन का रोड 2 जो टायर है ये भी फैब्रिक बेल्टेड है, देखो ये भी कितना इजीली कट रहा है शार्प ऑब्जेक्ट से, तो इसको हमको लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी लेथ मशीन पे। देखो ये पूरा कट गया है, पूरा फैब्रिक अंदर, फैब्रिक बेल्टेड टायर है तो फैब्रिक दिख रहा है। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा, अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ट्राई करूंगा उसका आंसर देने के लिए। अगर आपको प्राइजेस पता करना है इस सब टायर के तो आप tyremarket.com ये एक वेबसाइट है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी है, उस वेबसाइट पे जाके कोई भी सुपर बाइक के टायर की आप प्राइस जान सकते हो। अगर आपको टायर परचेस करना है तो हमारा स्टोर है गोरेगांव ईस्ट में, मुंबई में। दोस्तों हम लोग अदर सिटीज में टायर की डिलीवरी भी करते हैं, अगर आपको कोई भी टायर की इंक्वायरी है तो आप मुझे इनबॉक्स में डाल सकते हो या मैसेज में लिख सकते हो। इंस्टाग्राम पेज है क्विक फिक्स इंडिया, आप उसे भी फॉलो कर सकते हो, काफी अपडेट्स आपको वहां पे भी मिलेंगी टायर रिलेटेड, राइडर्स रिलेटेड
और आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी टायर का इंक्वायरी है, आप मुझे पर्सनल मैसेज बॉक्स में भी इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो। दोस्तों आप अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहता हूँ, आपको काफी नॉलेज देते रहूंगा। प्लीज वेयर हेलमेट, ड्राइवर प्लीज वेयर सीट बेल्ट, कीप द रोड क्लीन, कीप द रोड सेफ, कीप द सिटी क्लीन। थैंक यू।